जहाँ एक रिटेलर अपने इम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी को और एरिया प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करता है वहाँ दूसरी तरफ अगर तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस भी साथ साथ कर रहा है यानी कि कस्टमर को प्रोडक्ट्स उसके घर पे डिलीवर कर रहा है या कस्टमर को प्रोडक्ट्स उसके ऑफिस के अंदर डिलीवर कर रहा है उसके प्रेमिस के अंदर डिलीवर कर रहा है तो वो एट द सेम टाइम व्हीकल की प्रोडक्टिविटी भी कैलकुलेट करता है कि मेरे पास स्टोर में जितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि कस्टमर को सर्विसेज दे रही हैं वो हर गाड़ी हर व्हीकल कितना बिजनेस जनरेट कर रही है मेरे रिटेल स्टोर के लिए सो so, हम कैलकुलेट करते हैं व्हीकल की प्रोडक्टिविटी फॉमूला आपके सामने है रिटेल प्रोडक्टिविटी को व्हीकल की प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करना का जिसको हम यहाँ वीपी कह रहे हैं फार्मूला इज़ वेरी इजी सेल्स ये रिटेल स्टोर की सेल्स की बात हो रही है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स इस सेल्स को जनरेट करने के लिए कितनी गाड़ियाँ कितनी व्हीकल्स एक रिटेलर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है ये कैलकुलेट करके पता लगेगा कि आपकी व्हीकल प्रोडक्टिविटी कितनी है हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और फिर इसको थोड़ा और डिटेल से एनालिसिस करते हैं सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है सेल्स एक रिटेलर की फॉर एग्जांपल वन मिलियन हमने एज्यूम की है वन टेन गाड़ियाँ उसके पास हैं टेन नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं उस रिटेलर के पास और ये वो व्हीकल्स हैं जो कि वो कस्टमर को प्रोडक्ट्स uh, को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी है हमें व्हीकल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है और व्हीकल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट हो सकेगी सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ व्हीकल्स तो सेल्स वन मिलियन डिवाइडेड बाय टेन विच इज़ नंबर ऑफ़ व्हीकल्स तो हमारे पास व्हीकल प्रोडक्टिविटी निकल आई पर व्हीकल लेट्स से एक लाख रुपए पर व्हीकल इज द सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक गाड़ी एक व्हीकल एक लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है बिजनेस जनरेट कर रही है उस पर्टिकुलर रिटेल स्टोर के लिए नॉर्मली अगर वो रिटेलर कैश एंड कैरी मॉडल के ऊपर है काम कर रहा है इसका मतलब यह है कि वो नॉम व्हीकल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं करेगा लेकिन क्योंकि तमाम रिटेलर्स आज के दिन में वैल्यू एडिट सर्विसेज की बात कर रहे हैं और वैल्यू एडिट सर्विसेज को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो इस केस के लिए इट इज़ नेसेसरी कि वो व्हीकल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करें कोर्स जितनी ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा बिजनेस की एफिशिएंसी होगी व्हीकल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के भी दो तरीके हैं नंबर वन जिस तरीके से हम बार बार एक ही बात एग्जाम्पल को डिस्कस करें कि या तो उसको अपने टोटल सेल्स को इंक्रीज़ करना होगा अपने सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना होगा या फिर उसको अपने नंबर ऑफ व्हीकल्स को रिड्यूस करना होगा डिक्रीज़ करना होगा इन दोनों का आउटकम यह है कि आपकी व्हीकल प्रोडक्टिविटी जो है दैट विल बी इंक्रीज तो रिटेलर के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करे अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी पर वहीकल विल बी इंक्रीज उसका सेल्स रेवेन्यू पर व्हीकल विल बी इंक्रीज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिटेलर है जो कि सेल्स रेवेन्यू अपने अपनी व्हीकल प्रोडक्टिविटी को लट से वो डबल करना चाहता है टू हंड्रेड थाउजेंड को अचीव करना चाहता है कि मेरी सेल्स रेवेन्यू पर व्हीकल जो है वो एक लाख ना आए वो लट से दो लाख रुपए है तो उसको क्या करना होगा उसको अपने रेवेन्यू को डबल करना होगा दो ऑप्शन हैं जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि उसके पास दो ऑप्शन है पहली ऑप्शन ये है कि अपनी सेल्स को इनक्रीज कर रहे तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पर सेल्स को एक मिलियन के बजाय वो दो मिलियन की सेल्स को प्लान कर रहा होगा कि मैं दो मिलियन की सेल्स करूँ नंबर ऑफ व्हीकल्स मेरे पास टेन ही है तो अल्टीमेटली मैं इस आउटकम को अचीव कर सकता हूँ लेकिन दूसरी तरफ अगर वो उसका रेवेन्यू वन मिलियन ही रहे रेवेन्यू में कोई चेंज ना आए और वो दो लाख पर व्हीकल की प्रोडक्टिविटी को ही अचीव करना चाहता हो सो so अल्टीमेटली उसको क्या करना होगा उसको नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा जो हमने यहाँ ऑप्शन डिस्कस की कि उसको नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा तो क्या करे कैसे कैलकुलेट करेगा वो बड़ी आसानी से लिखेगा कि मुझे वन मिलियन की मेरी सेल्स है मेरा रेवेन्यू वन मिलियन का ही है लेकिन मैं दो लाख रुपए पर व्हीकल की प्रोडक्टिविटी को अचीव करना चाहता हूँ सो so, वो नंबर ऑफ व्हीकल्स को रिड्यूस करके फाइव पे ले आएगा तो अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी फ्रॉम वन हंड्रेड थाउजेंड टू टू हंड्रेड थाउजेंड तो रिटेलर के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सके लेकिन ऑफ कोर्स हेल्थ तभी इंश्योर होगी जब उसका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा और जो जो प्रोडक्टिविटी है वो इसी तरीके से बेहतर हो कि उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो